हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस प्लम्स लॉकडाउन सीरीज में ज्योग्राफी देख रहे हैं हम लोग और उस ज्योग्राफी में हम लोग बेसिकली क्लाइमेट के टॉपिक्स को देख रहे हैं जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था एक काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक एडियाबेटिक लैप्स रेट के बारे में। इसी एडियाबेटिक लैप्स रेट को जरा आगे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एयर मास के बारे में और साथ ही साथ फ्रंट के भी बारे में। इस एयर मास और फ्रंट के बाद बेसिकली हमारा दो और सेक्शन रह जाएगा और ये इसी से रिलेटेड है। जैसे एक हमारा रह जाएगा कंडेंसेशन से रिलेटेड, कंडेंसेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे और दूसरा हम लोग बात करेंगे साइक्लोन्स के बारे में, चाहे वो ट्रॉपिकल साइक्लोन हो चाहे वो टेम्परेट साइक्लोन्स हो, दोनों ही साइक्लोन के बारे में, चक्रवात के बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद अल्टीमेटली हम लोग अपने 15 टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे जो कि जीसी लियोंग से मैं उठाऊंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। एक शॉर्ट नोट भी दे दूंगा जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी। बाकी स्टार्ट करते हैं फटाफट, लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस ट्रैक। बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर सम ऑफ द अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्लम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एयर मास के बारे में। व्हाट इज एयर मास? नाम से देखिए क्या लग रहा है, एयर मतलब एयर और मास मतलब मास, सीधी सी बात है। मास मतलब क्या होता है? मास मतलब कि एक तरीके से कह लीजिए कि कोई एक सामान है या फिर कह लीजिए कि बंडल ऑफ समथिंग, और यहां पर बंडल ऑफ समथिंग क्या होगा? बंडल ऑफ एयर। और वही एयर मतलब क्या करना है? वायु है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये जो एयर का एक बंडल हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं एयर मास। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए किसी एक एरिया में आप रह रहे हैं, सपोज यू आर लिविंग इन अ लोकैलिटी, मान लेते हैं कोई एक घर में रह रहे हैं आप, ऑब्वियसली घर में ही रहेंगे, घर में आप रह रहे हैं, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर एक एयर मास जनरेट होकर के रखा होगा, उसके आसपास की एक एयर जनरेट होकर रखी होगी। सपोज मान लीजिए कि आपका घर जो है वो गांव में है, या फिर मान लीजिए किसी एक ऐसे इलाके में जहां पर एनिमल्स को पाला जाता है, ठीक है, जहां मान लीजिए कि कोई एनिमल हस्बेंड्री वगैरह करता है, मान लीजिए कि जो होता है गाय पाली गई है, गाय बकरी इस तरह से पाला गया है, तो जहां पर भी काऊ या फिर बकरी गोट ये सब पाला जाता है वहां पर सीधी सी बात है एक अलग तरीके की स्मेल आती है, ठीक है। तो ये बेसिकली एनिमल स्मेल होती है एंड बिकॉज ऑफ दिस स्मेल आप क्या करेंगे उस इलाके से जब भी गुजरेंगे, सीधी सी बात है आप अपना जो भी नाक वगैरह बंद करना होगा बंद करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, वाई यू आर कवरिंग योर नोज या वाई यू आर कवरिंग दोज स्मेल्स, क्यों? क्योंकि यहाँ का जो एयर मास है वो कुछ अलग टाइप का है जो कि पंजेंट स्मेल टाइप का है जिसको कि आप नहीं अच्छा फील कर रहे हैं। तो ये होती है बेसिकली एयर मास के बारे में, एक आइडिया लग गया होगा बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इज द एयर मास। आगे बढ़ते हैं जरा और हम लोग जरा थ्योरीज में देख लेते हैं, छोटा सा कंसेप्ट है, कुछ खास ज्यादा टफ नहीं है, आसान सा ही कंसेप्ट है। तो व्हेन द एयर रिमेंस ओवर अ होमोजीनियस एरिया, किसी एक एरिया में, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया था कि गाय जहां पर रहती है, फॉर अ सफिशियंटली लॉन्गर टाइम, क्यों लॉन्गर टाइम? क्योंकि यहां पर हीट एक्सचेंज भी होगा, इसके अलावा यहां पर जो भी गैसियस कॉम्बिनेशन है उस गैसियस कॉम्बिनेशन की भी जो भी कंपोनेंट है वो भी चेंज होंगी, तो इट विल टेक टाइम एक्चुअली। तो टाइम के साथ साथ जो होती है वहां के एरिया में वो होमोजीनियस हो जाएगा। तो इट एक्वायर्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरिया, द होमोजीनियस रीजन कैन बी द वास्ट ओशियन सरफेस, प्लेन, प्लेटू, कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा तबेला, ठीक है। द एयर विद डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड द एयर मास। अब एक्चुअली होगा क्या, मान लीजिए कि जहां पर आप काऊ वगैरह रखी गई थी, जहां पर गाय रखा गया था, वहां पर क्या होगा, वहां का एक प्रेशर होगा, प्रेशर होगा, प्रेशर के अलावा वहां की एक अपनी ह्यूमिडिटी होगी, उस ह्यूमिडिटी के बाद वहां का एक टेम्परेचर होगा, तो इस तरीके से कुछ यहाँ की एटमोस्फेरिक प्रॉपर्टीज होगी और इस एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टीज के माध्यम से यहां का एक एयर मास जनरेट हो जाएगा। जैसे आप लोग देख रहे होंगे सुबह से आज बारिश ही हो रही है और एयर मास कैसा बना हुआ है, एयर मास इज समथिंग लाइक कोल्ड एंड हैवी डेंस मॉइस्ट बना हुआ है, और उसमें भी देखिए आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, बड़ी नाइंसाफी है, चलिए खैर कोई बात नहीं। तो यहां पर सीन जो है वो इस तरीके से हो जाती है कि इट इज अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, क्लियर। एयर मास फॉर्म ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ओशियन प्लैनेटरी विंड सिस्टम, देयरफॉर दे आर एसोसिएटेड विद वन और
अदर विंड बेल्ट. अब जैसे मान लेते हैं कि विंड के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि देयर आर एक्चुअली थ्री टाइप ऑफ विंड्स. वन इज जिसको कि हम लोगों ने बोला था कि ये परमानेंट विंड्स है. परमानेंट के अलावा जैसे परमानेंट में हम लोगों ने ईस्टर्ली एंड वेस्टर्ली के बारे में देखा हुआ था. बाकी इसके बाद से हम लोगों ने बात किया हुआ था पीरियोडिक विंड्स के बारे में. इस पीरियोडिक विंड में बेसिकली हम लोगों ने दो तरीके की विंड देखा था. वन वॉज वॉट, वन वॉज मॉनसूनल और दूसरी थी हमारी सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज के बारे में. तो इस तरीके से हम लोगों ने पीरियोडिक विंड्स के बारे में देखा था. लास्टली हम लोगों ने देखा था लोकल विंड के बारे में. ठीक है, तो ये तीन चीजें देखी थी. इन तीनों से अगर कोई एसोसिएटेड लैंड मास होगा या फिर मतलब एसोसिएटेड जो भी एयर मास होगा वो एक करेक्टरिस्टिक्स अपना लेगा, चाहे वो प्रेजेंट परमानेंट वाला हो, चाहे पीरियोडिक वाला हो, चाहे लोकल वाला हो, उसकी ये प्रॉपर्टीज को अपना लेगा. एंड दैट इज व्हाई इट इज सेइंग दैट दे आर एसोसिएटेड विद वन और अदर विंड बेल्ट. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग्स की आखिर में सोर्सेस क्या क्या होते हैं, क्या सोर्स हो सकते हैं. अब देखिए हमारे पास अगर हम लोग अपने पूरे पृथ्वी को पूरे अर्थ को देखें तो हमारे पास कुछ एरियाज आ जाते हैं. जैसे एक एरिया आ जाता है जो माउंटेन का एरिया होता है, दूसरा एरिया होता है जिसको कि हम लोग प्लेटू का एरिया देखते हैं, तीसरा एरिया होता है. देखिए मैं यहां पर जो करा रहा हूं दिस इज बियॉन्ड द बुक्स, ये बुक्स के एकदम बाहर की चीज है. हम लोग बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के तरीके से पढ़ रहे हैं ताकि एग्जाम में कभी भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो हम लोग एकदम बढ़िया से कर ले जाएं बिना गलत किए हुए. चले खैर, तो माउंटेन होती है, प्लेटूज होती है, इसके अलावा हमारे पास रिवर्स होती है या फिर कह लीजिए कि बड़े लेवल पे कॉन्टिनेंट होता है. इसके अलावा बात करें तो ओशियंस होते हैं. इस ओशियन के अलावा हमारे पास वैलीज होती है. प्लेन हो गया, नहीं हुआ प्लेन, कोई बात नहीं, प्लेन लिख देते हैं. प्लेन होती है, प्लेन में डेजर्ट भी होता है. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास लगभग लगभग हम लोगों ने हर एक एरिया को लिख लिया हुआ है. ठीक है, और एक और चीज लिख लेते हैं, कोस्टल एरियाज. ठीक है, कोस्टल एरिया. तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ एरियाज हैं. जब माउंटेन एरिया के पास में पहुंचेंगे माउंटेन पे क्या होता है, इंसुलेशन काफी ज्यादा इकट्ठा होता है, सूर्य की रोशनी काफी ज्यादा इकट्ठा होती है. यहां पर रिलेटिवली कम होता है लेकिन अगेन इंसुलेशन काफी ज्यादा होता है. रिवर्स के बारे में बात करेंगे तो वाटर होती है, मॉइस्ट होती है और इस वजह से इंसुलेशन और यहां पर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी एल्बिडो का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. दिस इज समथिंग लाइक ए मैरीटाइम, मैरीटाइम टाइप का बना होता है. कॉन्टिनेंट अगेन इंसुलेशन काफी ज्यादा बना होता है. ओशियन अगेन वाटर बॉडी है इसलिए मैरीटाइम यहां पर भी हो जाएगा. वैली क्या होगी, वैली में एल्बिडो बहुत ज्यादा होगा, मतलब कि यहां पर इंसुलेशन का तो नहीं पता क्योंकि ऑब्वियसली नीचे है, सूर्य की रोशनी बहुत ज्यादा नहीं आ पाएगी लेकिन एल्बिडो बहुत ज्यादा निकल जाएगा. यहां पर फिर प्लेन एरिया, प्लेन एरिया इज समथिंग लाइक बैलेंस स्ट्रक्चर, तो बैलेंस टाइप का बन जाएगा. डेजर्ट होगा जहां पर अगेन जल्दी से ठंडा जल्दी से गर्म, तो यहां पर क्या है, इंसुलेशन भी है साथ ही साथ में एल्बिडो भी है. कोस्टल एरिया मैरीटाइम बना होता है क्योंकि अगेन सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. तो इस तरीके से देखेंगे तो हमारे पास बेसिकली तीन टाइप के एक्चुअली एरियाज आ रहे हैं. इन सबको देखेंगे तो हमारे पास तीन तरीके के एरिया आ रहे हैं. एक जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक्स, एक होगा जो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक्स होगा जैसे माउंटेन हो गया, प्लेटू हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया, सब कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक्स है. क्यों, क्योंकि हीटिंग बहुत ज्यादा है. दूसरा जो हमारे पास एरिया आ जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग कॉन्टिनेंटल कह लीजिए कि पोलार, कॉन्टिनेंटल पोलार मतलब कि ठंडा ज्यादा होगा, जैसे वैली हो गया ये ठंडा ज्यादा हो जाएगा. तीसरा जो टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैरीटाइम ट्रॉपिक्स. इस मैरीटाइम ट्रॉपिक्स में क्या होगा, जैसे जो एरियाज जो है जल्दी ठंडे जल्दी गर्म खैर तो नहीं लेकिन हाँ वाटर बॉडी होनी चाहिए. देन वाटर बॉडी विल बी व्हाट, इट विल बी रिवर्स. ठीक है, ओशियंस. इसके अलावा चौथा हो जाएगा मैरीटाइम, मैरीटाइम व्हाट, मैरीटाइम पोलार. हालांकि यहां पर लिखा नहीं गया है, ग्लेशियर एक इलाका छूट गया था तो ग्लेशियर भी लिख सकते हैं. लास्टली फाइव टॉपिक हो जाएगा कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल पोलार भी बोल सकते हैं इसको या कॉन्टिनेंटल आर्कटिक बोल सकते हैं, जहां पर प्योरली कॉन्टिनेंट होगा और वो काफी ज्यादा कह लीजिए कि जो होता है सरफेस से काफी ज्यादा ठंड से घिरा हुआ होगा. तो इस तरीके से हमारे पास हम लोग ये पूरे के पूरे सेक्शन को पांच टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. एंड दिस फाइव टाइप्स आर बेसिकली व्हाट, दीज आर द सोर्स ऑफ एयर मास. क्लियर हो गया क्या चीज है. अब इसको सीन को देखेंगे, यहां पर तो देखिए होमोजीनियस सरफेस ओवर विच एयर मास फॉर्म आर कॉल्ड द सोर्स रीजन, जहां से बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं सोर्स रीजन. इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि यहां पर ये टेक्स्ट दिखना शुरू हो जाएगा.
द मेन सोर्स रीजन क्या होंगे? हाई प्रेशर बेल्ट इन द सब ट्रॉपिक्स गिविंग राइज टू द ट्रॉपिकल एयर मास एंड अराउंड द पोल्स. तो ये बेसिकली हाई प्रेशर जितने भी होते हैं उनके कारण से ज्यादा अच्छा एयर मास जनरेट हो पाता है, बिकॉज दे आर डेंस एंड दे आर लेस लाइकली टू मिक्स और इसी वजह से ये काफी अच्छा जो है यहां पर एयर मास जनरेट कर जाते हैं. ठीक है, बाकी अगर देखेंगे तो एक्चुअली जो भी हीट और मॉइस्चर इक्विलिब्रियम होता है वो ओवरऑल एक एयर मास को बैलेंस कर रहा होता है. इन सबका मतलब अभी आपको समझ में आएगा, तो आप लोग चिंता मत करिए. व्हेन एयर मास मूव अवे फ्रॉम ए सोर्स रीजन अपर लेवल मेंटेन्स द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड, क्योंकि यहां पर जो मिक्सिंग होती है, जैसे ग्राउंड पे क्या होती है, लोअर सरफेस पे कई सारी चीजें होती है, लाइक एडवेक्शन हो रही होती है, फ्रिक्शन भी जनरेट हो रही होती है, इनफैक्ट यहां पर कोलिजन काफी ज्यादा होता है, मतलब नए नए पार्टिकल के साथ में मिक्सिंग काफी ज्यादा होती है. और वही अपर टाइप में बात करेंगे तो दे आर बेसिकली व्हाट, दे आर यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म होने के कारण से ही यहां पर जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लंबे समय तक बने रह जाते हैं. देखिए ये सब एक क्वेश्चन बन सकता है आपके पॉइंट फॉर्मेट में. तो दिस इज पॉसिबल बिकॉज एयर मॉसेज आर स्टेबल एंड स्टैग्नेंट एयर विच डू नॉट फैसिलिटेट कन्वेक्शन. कंडक्शन रेडिएशन इन सच स्टैग्नेंट एयर इज नॉट इफेक्टिव. तो इस वजह से बेसिकली यहां पर जब भी कोई स्टैग्नेंट एयर आएगी तो उसमें कंडक्शन और रेडिएशन का ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन कन्वेक्शन का, मतलब कंडक्शन और कन्वेक्शन का तो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन दे विल फैसिलिटेट दिस कन्वेक्शन थिंग. ओके, एरियाज विद हाई प्रेशर बट लिटिल प्रेशर डिफरेंस और प्रेशर ग्रेडियंट आर आइडियल सोर्स रीजन, ये सब चीजें होती हैं. There are no major source region in the mid latitude or these regions are dominated by cyclonic and other disturbances. क्योंकि इन सब का यूज अभी हम लोग आगे करेंगे जब हम लोग temperate cyclone के बारे में हम लोग बात करेंगे. In fact एक काम करते हैं, इन सारे पॉइंट को एक एक करके डिस्कस ही कर लेते हैं. तो देखिए जरा यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे लास्ट वाले पॉइंट की. There are no major source region in the mid latitude as these regions are dominated by cyclonic and other डिस्टर्बेंसेस. तो जितने भी साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि टेम्परेट साइक्लोन आ रहा है, अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि टेम्परेट साइक्लोन में एक्चुअली फ्रंट फॉर्मेशन होती है. फ्रंट फॉर्मेशन होती है क्योंकि यहां पर एयर मासेस का इंटरैक्शन होता है. अब एयर मासेस का इंटरैक्शन कैसे होता है, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं. मान लीजिए इधर से आ रही है कोई वार्म एयर मास आ रही है जिसका टेम्परेचर हाई है, और यहां से मान लेते हैं कि आ रही है कोई कोल्ड एयर मास. ये मान लेते हैं कि पोलर इलाका है और ये मान लेते हैं कि ट्रॉपिकल इलाका है. तो दोनों तरफ से आ रही है, ये वाली क्या है, ये लाइट होती है, इसकी डेंसिटी लाइट होती है. ये क्या होती है, डेंस होती है, भारी होती है. डेंस होगी तो नीचे चली जाएगी, लाइट वाली ऊपर चली जाएगी. और इस तरीके से यहां पर इस एरिया में, ये जो एरिया मैं घेर रहा हूं, कवर कर रहा हूं, इस एरिया में एयर मास का इंटरैक्शन हो जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस इंटरैक्शन यहां पर एक चीज होती है फ्रंट, वो फ्रंट जनरेट हो जाती है और अल्टीमेटली यहां का जो क्लाइमेट होता है वो कुछ बदला बदला सा हो जाता है. तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यहां इस एरिया में जहां पर भी साइक्लोनिक और अदर डिस्टर्बेंसेस होते हैं वहां पर कोई मेजर सोर्स रीजन बन नहीं पाता है किसी एयर मास के लिए, क्योंकि यहां पर एयर मास की एक्चुअली मिक्सिंग हो रही है और जहां पर मिक्सिंग होगी वहां पर एयर मास तो जनरेट होगा नहीं. ठीक है, एरिया विद हाई प्रेशर, कोल्ड एरिया है या हाई प्रेशर का एरिया बना हुआ है, हाई एरिया बना रहेगा तो इससे होगा क्या कि यहां पर जो प्रेशर डिफरेंस है या जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो ज्यादा अंतर नहीं बना पाता है, मतलब ज्यादा ग्रेडियंट बन नहीं पाती है, जिसके कारण से ये जो रीजन्स होते हैं वो होमोजीनियस बन जाते हैं. होमोजीनियस का मतलब क्या चीज होता है, होमोजीनियस का मतलब होता है कि एक यूनिफॉर्म टाइप की चीज बनी हो, और यूनिफॉर्म टाइप की चीज बनेगी यानी प्रेशर ग्रेडियंट क्लियर, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट जो होना चाहिए वो नहीं बनना चाहिए, और अगर नहीं बनेगा तो होमोजीनियस हो जाएगा. होमोजीनियस हो जाएगा तो ऑब्वियसली यहां पर एयर मास का अच्छा खासा डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि एयर मास एक होमोजीनियस सरफेस पर ही बनता है. तो इस पॉइंट का मतलब समझ में आ गया, इस पॉइंट का मतलब समझ में आ गया. बाकी के जितने पॉइंट्स है, व्हेन द एयर मास मूव अवे फ्रॉम अ सोर्स रीजन, सीधी सी बात है अगर पोलर एरिया से एयर मास छोड़ करके आगे बढ़ेगा सीधे से ये मिक्सिंग करना शुरू कर देगा, और मिक्सिंग करने के कारण से ही क्या होगा, द अपर लेवल जो ऊपर की जो भी सरफेस है वो यूनिफॉर्म रहेगी लेकिन नीचे वाली मिक्सिंग करना शुरू कर देंगे. एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज एयर मासेस आर स्टेबल एंड स्टैग्नेंट एयर विच डू नॉट फैसिलिटेट कन्वेक्शन.
तो इस तरीके से कंडक्शन और रेडिएशन जो होगी वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाती है। कुछ आइडिया लगा क्या चीजें, काफी डिटेल्ड देख लिया हम लोगों ने। आगे अगर देखेंगे तो बेसिकली फाइव टाइप के सोर्स रीजन होते हैं, जिसको कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अभी समझा दिया है, जिसमें एक हो जाएगी जो वार्म ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल ओशियन हो जाएगा, दूसरा सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट हो जाएंगे, तीसरे रिलेटिवली कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशियन हो जाएगा, फिर हो जाएगी वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट इन हाई लैटिट्यूड, और लास्टली हो जाएगी परमानेंट आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट्स इन द आर्कटिक एंटार्कटिक। अब देखिए ये जो वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशियंस है ये क्या चीज है, ये है मैरीटाइम ट्रॉपिक्स, और इस मैरीटाइम ट्रॉपिक को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं। सिमिलरली सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट हो जाएगा, तो ये क्या है कॉन्टिनेंटल, दिस इज कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक्स, और इसको हम लोग सी टी से दिखाते हैं। ठीक है, नोटेशन भी कई बार पीसीएस एग्जामिनेशन में, स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान में रखने वाली बात है। रिलेटिवली कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशियन, यानी कि ओशियन है तो सीधी सी बात है मैरीटाइम होगा, और कोल्ड है तो कोल्ड होने के कारण से ये बन जाएगा क्या चीज, ये बन जाएगा पोलर, तो ये क्या बन गया एम पी। सिमिलरली स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट आ गया तो ये क्या बन जाएगा कॉन्टिनेंटल पोलर, और इसको कैसे दिखाएंगे सीपी से। लास्टली आपका आ गया क्या चीज परमानेंट आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट इन आर्कटिक एंड एंटार्कटिक, यहां पर क्या है दिस इज कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, और इसको हम लोग सी ए इस तरीके से भी दिखा देते हैं। अब अगर पूरे वर्ल्ड पे ग्लोब पे हम लोग एरिया देखें तो देखिए ये चीज है, यहां पर देख सकते हैं ग्रीनलैंड जहां पर कॉन्टिनेंटल पोलर भी है, कॉन्टिनेंटल आर्कटिक भी बना हुआ है। सिमिलरली यहां पर कनाडा में आप देख सकते हैं कॉन्टिनेंटल पोलर और कॉन्टिनेंटल आर्कटिक। जब आप पैसिफिक ओशन में आएंगे तो यहां पर बन जाएगा मैरीटाइम ट्रॉपिक्स, मैरीटाइम इक्वेटोरियल है, दिस इज एक्चुअली नथिंग बट एम्प्टी ही होती है, यहां पर भी एम्प्टी, यहां पर आपका साउथ में यहां पर देख सकते हैं कि ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन बाइट आ रही होती है, और इस तरीके से यहां पर ये पेरुवियन करंट बना रही होती है, ये बन जाएगा मैरीटाइम पोलर। ठीक है, आर्कटिक एंटार्कटिक में आ जाएंगे तो अगेन वही आर्कटिक वाला सीन हो जाएगा, यहां पर एमपी बन जाएगी, यहां पर एमटी, और इस तरीके से आप पूरा सीन समझ सकते हैं कि क्या सीन होने वाला है। तो क्लियरिटी आ गई क्या चीज है, यहां पर आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग कि आखिर में इन्फ्लुएंस ऑफ एयर मास क्या होता है। इन्फ्लुएंस ऑफ एयर मास के कारण से सीधी सी बात है कि इसका जो क्लाइमेट होगा वो क्लाइमेट में कुछ हमें चेंज देखने को मिल जाएगा। अभी जो क्लाइमेट चेंज में चेंज हम देखेंगे उसको भी फटाफट देख लेते हैं कैसा चेंज आएगा। तो देखिए यहां पर क्या होगी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन एयर मास, क्योंकि सीधी सी बात है ये एक होमोजीनियस है। देखिए ज्योग्राफी पढ़ने का सिंपल सा फंडा होता है एक एक वर्ड पे इक्वली फोकस करिए, क्योंकि यहां पर हर एक वर्ड का अपना मतलब होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एन एयर मास विच इन्फ्लुएंस द एकॉम्पनिंग वेदर आर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर। यहां पर हम लोगों ने देखा हुआ है एक सरफेस, इस सरफेस पे सीधी सी बात है कि ये पूरा का पूरा हम लोगों ने देखा है कि ये तो होमोजीनियस सरफेस है, लेकिन ये होमोजेनिटी जो होती है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है, क्योंकि जब वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे हम तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ चेंज इन प्रेशर, तो प्रेशर का एक ग्रेडियंट तैयार हो जाता है। ठीक है, इंडिकेटिंग इट्स स्टेबिलिटी एंड कोल्डनेस और वार्मनेस एंड द मॉइस्चर कंटेंट। तो इस तरीके से यहां पर चीजें चेंज होती रहती हैं। द एयर मासेस कैरी एटमोस्फेरिक मॉइस्चर फ्रॉम ओशियन टू कॉन्टिनेंट एंड कॉज प्रेसिपिटेशन ओवर लैंड मास। तो इस तरीके से जो एयर मास होते हैं वो मॉइस्चर को कैरी कर रहे होते हैं ओशियन से और कॉन्टिनेंट पे ले आकर के अल्टीमेटली फॉल डाउन यानी कि प्रेसिपिटेशन कर देते हैं। क्लियर, द ट्रांसपोर्ट लेटेंट हीट एंड रिमूविंग द लैटिट्यूडिनल हीट बैलेंस। देखिए यहां पर सीन क्या है कि यहां पर जो मान लीजिए कि जो भी कॉन्टिनेंटल या मान लेते हैं कि मैरीटाइम मान लेते हैं कि कोई ट्रॉपिक्स है यानी कि ओशियन से कोई हवा आ रही है, कोई एयर मास आ रहा है, ये जैसे ही लैंड पे आएगा वैसे ही हीट देना शुरू कर देगा। ये हीट देगा दो तरीके से, एम एस डेल्टा टी वाले तरीके से भी और एम डेल्टा एल तरीके से भी। एम डेल्टा टी एल मतलब क्या हो गया, लेटेंट हीट हो गई, और इस लेटेंट हीट का जैसे ही प्रोग्रेस हमें दिखेगा वैसे ही जो वेपर फॉर्मेट है वो वेपर फॉर्मेट लिक्विड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली प्रेसिपिटेशन यानी बारिश करना शुरू कर देगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग
यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो मोस्ट ऑफ द माइग्रेटरी एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंसेस सच एज साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म्स ओरिजिनेट एट द कॉन्टैक्ट जोन बिटवीन डिफरेंट एयर मासेस एंड द वेदर एसोसिएटेड विद दिस डिस्टरबेंस एंड इट इज डिटरमाइंड बाय द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर मास इन्वॉल्व्ड। तो ये चीज वही है कि यहाँ पर साइक्लोनिक कंडीशंस जितनी भी बनती है, साइक्लोनिक कंडीशन के कारण से अगेन जो एयर मास होता है वही पूरा रोल प्ले कर रहा होता है। ये जो साइक्लोन है ये टेम्परेट भी हो सकती है और ये आपकी ट्रॉपिकल भी हो सकती है, वो टाइप ऑफ यहाँ पर चीजें देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद से हमारी आती है फ्रंट, तो हम लोग यहां करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फ्रंट के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच। अभी ही आपको फ्रंट वाली वीडियो मिल रही है।